हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ हिंदी गायकों के बारे में, बेस्ट हिंदी मेल सिंगर्स ऑफ इंडिया। जो हमारा रेटिंग का क्राइटेरिया है उसके तहत कई पोजीशंस ऐसी हैं जो टाई हुई हैं, तो हम पहले रेटिंग का क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि किस आधार पे हमने इन सभी ग्रेट सिंगर्स को रैंकिंग दी है। हमने इसमें टोटल सॉन्ग्स को काउंट किया है, फिल्मी और नॉन फिल्मी को, मेजरली हिंदी सॉन्ग्स को, और 1940 से 2017 यानी कि लेटेस्ट पीरियड तक के सिंगर्स को स्थान दिया गया है। उन सभी को जो भी प्रेस्टिजियस ऑनर्स मिले हैं, जैसे डीलिट हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, या भारत रत्न हुआ, लता मंगेशकर अवार्ड हुआ, ये सारे अवार्ड्स भी उसमें देखे गए हैं, और मेजर अवार्ड्स में फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड नेशनल अवार्ड्स। बात करते हैं 10वीं रैंकिंग की, तो यहाँ पर टाई में 3 लोग हैं, अभिजीत, लकी, अली और अमित कुमार। अभिजीत ने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। इन्हें 1998 में फिल्म यस बॉस के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और ये 1990 के दशक में और अर्ली 2000 के ईयर्स में एक बहुत ही परिचित सिंगर रहे हैं। लकी अली ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, और ये लेजेंडरी एक्टर महमूद के बेटे हैं। इन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला है मूवी कहो ना प्यार है के लिए। अमित कुमार ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है, और ये एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर किशोर कुमार जी के सुपुत्र हैं। इन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला है फिल्म लव स्टोरी के लिए। 9th रैंकिंग पे है आयुष्मान खुराना, अंकित तिवारी और राहत फतेह अली खान। आयुष्मान एक्टर, सिंगर, कंपोजर है, और उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। अंकित म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं। इन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए और एक फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मिला है। राहत फतेह अली खान कव्वाली, डिवोशनल और सूफी सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। इन्हें भी एक फिल्म फेयर अवार्ड 2011 में मिला है। 8th पे हैं शांतनु मुखर्जी, जिन्हें हम शान कहते हैं, और मोहित चौहान। शान ने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया है। इन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, सामरिया और फना के लिए। मोहित चौहान कंपोजर और राइटर भी हैं, और इन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। 7वीं रैंकिंग पे है सुखविंदर, शंकर महादेवन, हरिहरन और सोनू निगम। शंकर महादेवन और हरिहरन के बारे में बात करते हैं। पहले शंकर जी म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर हैं, और अभी इन्होंने हाल ही में फिल्मों में अभिनय करना भी शुरू किया है। इन्हें 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और लता मंगेशकर अवार्ड से इन्हें 2011 में नवाजा जा चुका है। हरिहरन को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, एक मराठी और एक हिंदी, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 2004 में। सोनू निगम के बारे में बात करते हैं। सोनू निगम सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक प्रोग्रामर, लाइव परफॉर्मर और एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में कुल 11,000 हिंदी गीत गाए भी हैं। इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म कल हो ना हो के लिए, और 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, फिल्म साथिया और कल हो ना हो। सुखविंदर को नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म तो हैदर के लिए 2014 में, और इन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। 6th पे हैं मन्ना डे और अरिजीत सिंह। मन्ना डे ने करीब 4,000 गीत गाए हैं विभिन्न भाषाओं में। इन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी महत्व रखता है। डीलिट से ये नवाजे जा चुके हैं 2004 और 2008 में। 6th पे हैं अरिजीत सिंह, ये सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक प्रोग्रामर, लाइव परफॉर्मर सभी हैं। इन्होंने मेनली हिंदी और बंगाली भाषा में गाए हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग, स्पेशली यंग फैन फॉलोइंग। इन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे चन्ना मेरे यहाँ, तुम ही हो, फिर भी तुमको चाहूँगा, आयत की तरह, ए दिल है मुश्किल, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुनो ना संगे मरमर, सूरज डूबा है, सनम रे, सावन आया है, गेरुआ, जन्म जन्म, नशे से चढ़ गई खामोशियाँ, हमारी अधूरी कहानी, कबीरा, बातें कभी ना। इन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट सिंगर हैं ये, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये और ऊंची रैंकिंग पे जाएंगे। 5 पे हैं मुकेश और महेंद्र कपूर। मुकेश जी राज कपूर जी की आवाज़ माने जाते रहे हैं। इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता कई बार यूं ही देखा है के लिए, फिल्म रजनीगंधा के लिए, और इन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं।
महेंद्र कपूर ने लगभग 25,000 गीत गाए हैं विभिन्न भाषाओं में। इन्हें एक नेशनल अवार्ड मिला है मेरे देश की धरती और 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले हैं। पद्मश्री और लता मंगेशकर अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं। 4 पे हैं येसुदास जी, SP बालासुब्रमण्यम और कुमार शानू। येसुदास जी ने करीब 50,000 गीत गाए हैं विभिन्न भाषाओं में, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इन्होंने कुछ मूवीज़ में एक्टिंग भी की है। इन्हें 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं और 1 फिल्मफेयर अवार्ड मिला है फिल्म चित्तौर के लिए। बालासुब्रमण्यम जी एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है सबसे ज़्यादा गीत के लिए। इन्होंने करीब 40,000 गीत गाए हैं विभिन्न भाषाओं में। इन्हें 6 नेशनल अवार्ड, 1 फिल्मफेयर अवार्ड मिला है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण मिल चुका है। ये डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजे जा चुके हैं। इन्हें साउथ के फिल्मफेयर अवार्ड्स और बहुत सारे स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिले हैं। इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कुमार शानू, जिनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य भी है पर हम इन्हें कुमार शानू ही कहते हैं, ये 1990 के सबसे ज़्यादा पॉपुलर वॉइस रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इन्होंने एक ही दिन में सबसे ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए हैं, 28 गीत। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और इन्होंने 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स लगातार जीते हैं, फिल्म आशिकी, साजन दीवाना, बाजीगर और 1942 अ लव स्टोरी के लिए। अमेरिका में 31 मार्च को कुमार शानू डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये केवल एक अकेले ऐसा सिंगर है जिनको ये ऑनर मिला है इंडिया की तरफ से। तीसरे नंबर पे हैं फेवरेट उदित नारायण जी। इन्होंने करीब 25,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं विभिन्न भाषाओं में और इन्हें 4 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं। फिल्मफेयर अवार्ड इन्हें QSQT, DDLJ, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम और लगान के लिए मिले हैं। ये अकेले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने 80 के दशक में, 90 के दशक में और 2000 के दशक में भी बहुत सारे गाने गाए हैं और हर दशक में फिल्मफेयर अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रबल गोरखा, दक्षिण बहुपाय, लेट किंग ऑफ नेपाल से भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 पे हैं मोहम्मद रफ़ी जी। इन्होंने 7,500 गीत करीब गाए हैं जिसमें विदेशी भाषा भी है। इन्हें 1 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है और 6 फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 1 पे हैं अनडाउटली किशोर कुमार जी। एक्टर, लिरिक्सिस्ट, कंपोजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर एंड सुपर्ब सिंगर, मोस्ट अमेजिंग सिंगर किशोर कुमार जी नंबर 1 पे। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। इन्हें 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, रूप तेरा मस्ताना के लिए, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, कह के पान बनारस वाला, हज़ार राहें मुड़ के देखी, पग घुंघरू बांध, अगर तुम ना होते, मंजिले अपनी जगह हैं और सागर किनारे के लिए। इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। MP गवर्नमेंट ने इन्हीं के नाम से एक अवार्ड, किशोर कुमार अवार्ड भी शुरू किया है। सरप्राइज होता है कि इन्हें कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, बट स्टिल किशोर कुमार जी, वी लव यू, यू हैव एंटरटेन्ड अस, आपको हम नंबर 1 की रैंकिंग देते हैं। गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप किसी रैंकिंग से डिसएग्री हो रहे हैं तो विद प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसी सब्जेक्ट के ऊपर तो मैं डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।